लोस सैंटोस को अभी लावा फ्लैश से कोई भी नहीं बचा सकता है। मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही मचाऊंगा कि यहाँ पर हल्क भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ग्रीन रेड हल्क मुझे छोड़ दो, मैं लावा फ्लैश नहीं जानता था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे। नहीं लावा फ्लैश, तुमने मेरी सिटी में काफी ज्यादा तबाही मचाई है, इसीलिए मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। सो गाइस, लोस सैंटोस में लावा फ्लैश ने हमला कर दिया है और ये लावा फ्लैश इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसे हमारा कोई भी एवेंजर रोक भी नहीं पा रहा है। इसीलिए आज हमारे फ्रैंकलिन को एक मिशन पर भेजा जा रहा है जिसमें हमारे फ्रैंकलिन को हमारे सबसे पावरफुल हल्क यानी कि ग्रीन रेड हल्क को ढूंढना होगा, क्योंकि हमारा ग्रीन रेड हल्क ही इस लावा फ्लैश को हरा सकता है। तो क्या गाइस, आज हम हमारे सबसे पावरफुल हल्क तक पहुंच पाएंगे या फिर हम बीच में ही यहाँ पर मारे जाएंगे? सो गाइस, यार अभी तक तो आपको पता ही लग चुका होगा कि यार हमारी सिटी में अभी वेनम फ्लैश ने बहुत ही तगड़े वाला हमला किया हुआ है, इसीलिए यार हमारी सिटी में ना अभी लोग भी घर के अंदर चले गए हैं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, वो वेनम फ्लैश ना काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए गाइस यार अभी ना हम अपने आयरनमैन भैया के पास जा रहे हैं ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। तो चल सिंचन यार, अभी हम जल्दी से चलते हैं हमारे आयरन मैन के पास। सो ऑलराइट गाइस, यार अभी हम यहाँ पर हमारे टोनी स्टार्क के मेंशन पर आ चुके हैं एंड यार अभी हमें यहाँ पर अपना आयरन मैन मिलने वाला है। तो चलो देखते हैं कि यार हमारा टोनी स्टार्क कहाँ पर होगा। और ये देखो गाइस यार, हमें हमारा टोनी स्टार्क यहाँ पर ही मिल गया। तो टोनी तुम कैसे हो? अरे फ्रैंकलिन, अभी मैं काफी ज्यादा मुश्किल में हूँ क्योंकि अभी वेनम फ्लैश ने हमारी दुनिया में हमला कर दिया है। अरे हाँ टोनी यार, वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन यार अभी हमें उसे कुछ भी करके रोकना ही होगा। फ्रैंकलिन, लावा फ्लैश को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसके पास अभी लावा की भी पावर आ चुकी है। अरे टोनी स्टार्क यार, अगर तुम मुझे यहाँ पर अपना कोई सूट दे देते हो ना तो यार उसकी मदद से मैं उस लावा फ्लैश को फाइट भी कर सकता हूँ। और यार उसके बाद यहाँ पर हमें अपने सबसे स्ट्रॉन्ग एवेंजर को भी ढूंढना होगा। ठीक है फ्रैंकलिन, मैंने यहाँ पर अभी एक सूट बनाया है और ये सूट काफी ज्यादा पावरफुल है, तो तुम इस सूट को पहनकर जल्दी से उस लावा फ्लैश को रोको। तो ठीक है गाइस यार, अभी हमारे टोनी स्टार्क ने मुझे यहाँ पर ये सूट दिया है और अभी यार मैं इसे यहाँ पर पहनने वाला हूँ। तो चलो यार अभी मैं जल्दी से इसे पहन लेता हूँ। सो 3, 2, 1 सो ऑलराइट गाइस यार, अभी मैंने यहाँ पर मेरा ये न्यू आयरन मैन का सूट पहन लिया है एंड यार ये मुझ पर कैसा लग रहा है आप मुझे जल्दी जल्दी बताना। तो ठीक है आयरन मैन यार, अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ एंड मुझे यहाँ से अभी हमारे सिंचन को भी पिक करना है। तो सिंचन यार, तुझे मेरा ये सूट कैसा लग रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया, आपका ये सूट ना काफी ज्यादा मस्त लग रहा है और अभी आपको इस सूट की मदद से ना यहाँ पर हमारे लावा फ्लैश को भी रोकना है। अरे हाँ सिंचन यार, वो तो मुझे यहाँ पर रोकना ही है, लेकिन उससे पहले गाइस यार मैं ना एक बार इस सूट की सभी पावर्स को टेस्ट कर लेता हूँ ताकि यार उस लावा फ्लैश को हराने में मुझे मेरे वेपन्स का पता लग सके। तो यहाँ पर मैं अपनी लेजर बीम मारता हूँ, तो ये देखो यार मेरी लेजर बीम काफी ज्यादा खतरनाक है और मेरे पास यार मेरा हैंड रिपल्सर भी होना चाहिए। तो ये देखो भाई लोग, और भाई लोग यार ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा ही खतरनाक है और यहाँ पर ये जितने भी कार थी ना, मैंने इनका क्या ही तो हाल कर दिया है, ये भी मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो जहां तक मुझे लगता है मैं इस सूट की मदद से यहाँ पर हमारे लावा फ्लैश को हरा सकता हूँ। तो चलो यार अभी यहाँ पर मैं जल्दी से अपने लावा फ्लैश के पास पहुँचता हूँ। सो गाइज, अभी यहाँ पर मैं उस लावा फ्लैश के एरिया में एंटर कर चुका हूँ और जहां तक मुझे लगता है वो मुझे यार यहाँ पर ही मिलने वाला है। लेकिन अभी यार मुझ पर अटैक तो हुआ था, वो अटैक कहाँ से आया था मुझे जल्दी जल्दी से अभी उसे देखना होगा। और यहाँ पर मैं अपनी मशीन गन्ना लगातार मारता हूँ ताकि यार वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पकड़ सके। और ये देखो उस यार लावा फ्लैश ने मुझे पीछे से वार किया है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और यार ये तो काफी ज्यादा ही पावरफुल है, ये देखो यहाँ पर मैंने अभी इसे काफी ज्यादा जलाने की ट्राई की है, लेकिन यार इसमें तो भाई लावा की पावर है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी इस पर अपनी मिसाइल ट्राई करता हूँ, तो ये देखो मेरी मिसाइल भी अभी काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यार ये तो मरता ही नहीं है। यार जहां तक मुझे लगता है ना ये मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है और अभी मैं इस पर अपनी सबसे पावरफुल एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे कि ये यार हवा में तो उड़ा है। तो देखते हैं कि यार अभी ये क्या करने वाला है, लेकिन इस पर तो यार थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ है।
गाइस यार जहाँ तक मुझे लगता है ना, अभी मेरे इस सूट में सिर्फ एक ही पावर है जो कि इसे रोक सकती है। तो ये देखो, यहाँ पर मैं इस पर अपनी सबसे खतरनाक एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इसका भाई कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है और ये मुझे लगातार मारता ही जा रहा है। तो यार अगर मुझे यहाँ पर बचना है ना, तो गाइस यार मुझे यहाँ पर जल्दी से निकलना होगा। अरे फ्रैंकलिन भैया, हमारा जो लावा फ्लैश है ना, वो तो काफी ज्यादा खतरनाक है और वो तो आपके सूट से भी नहीं रुकेगा। अरे हाँ सिंचन यार, मैंने सोचा था कि गाइस यार जो ये हमारा लावा फ्लैश है ना, ये थोड़ा कम खतरनाक होगा, बट इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की है। और यार अगर मुझे यहाँ पर इसे रोकना है ना, तो मुझे यहाँ पर इसे अपने सबसे स्ट्रॉन्ग एवेंजर से लड़वाना होगा। तो चलो यार अभी यहाँ पर मैं अपने सबसे स्ट्रॉन्ग एवेंजर को ढूंढता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये अभी हम कहाँ पर आ चुके हैं? अरे दरअसल सिंचन यार, मुझे यहाँ पर हमें हमारा सुपरमैन मिलने वाला है। एंड गाइस यार आप तो जानते ही हो कि जो हमारा सुपरमैन है ना, उसने एक बार फ्लैश के साथ फाइट की थी और उसने उसके साथ रेस भी की थी, जिसमें कि यार हमारा सुपरमैन जीत चुका था। इसीलिए यार मैं यहाँ पर अभी अपने सुपरमैन को ढूंढने आया हूँ। और वो देखो यार, जहां तक मुझे लगता है ना गाइस, हमें हमारा यहाँ पर सुपरमैन भी मिल चुका है। तो हेलो सुपरमैन, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अरे ये यहाँ पर किसकी आवाज आ रही है? कहीं यहाँ पर मेरे दुश्मन तो नहीं आ चुके हैं? गाइस यार मुझे ना ऐसा लगता है कि जो हमारा सुपरमैन है, ये हमारी हेल्प नहीं करेगा, इसीलिए यार अभी मुझे इसे स्टन गन से बेहोश करना होगा। तो यार अभी मैं इस पर अपनी स्टन गन इस्तेमाल करता हूँ। तो ये देखो, लेकिन भाई ये क्या हो रहा है? तो यार मैं ना एक बार इस पर फिर से ट्राई करने वाला हूँ, तो देखते हैं कि इस पर कोई असर होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन ये मेरी गन तो बिल्कुल ही बेकार है, तो अभी यहाँ पर मैं अपनी दूसरी गन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ये देखो यार, मैंने यहाँ पर अभी सुपरमैन पर एक वार तो किया है जो कि काफी ज्यादा सही रहा था, और अभी यहाँ पर मुझे सुपरमैन के पास पहुँचना होगा। अरे फ्रैंकलिन भैया, अभी ना आप जल्दी जल्दी से हमारे सुपरमैन के पास चलो, कहीं वो उठकर ना खड़ा हो गया हो। अरे नहीं सिंचन यार, अभी यहाँ पर हमारे पास हमारे आयरन मैन का सूट है ना, तो यार ये हमारा सुपरमैन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और ये देखो, यहाँ पर मैंने इसे बेहोश भी कर दिया है। तो चलो यार अभी हम अपने सुपरमैन के उठने का वेट करते हैं। अरे फ्रैंकलिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और अभी मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? गाइस यार मुझे ना ऐसा लगता है कि हमने यहाँ पर जो अपनी गन का इस्तेमाल किया था ना, उसकी वजह से यहाँ पर हमारे सुपरमैन को कुछ याद नहीं आ रहा है। तो चलो यार ये तो मेरे लिए अच्छा है। तो सुपरमैन यार, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प लेने आया हूँ। लेकिन फ्रैंकलिन, तुम यहाँ पर मेरी किस तरीके से मदद चाहते हो? अरे दरअसल सुपरमैन यार, अभी जो लावा फ्लैश है ना, उसने यार हमारी दुनिया में हमला कर दिया है और वो अभी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। फ्रैंकलिन, अभी मैं तुम्हें अपनी थोड़ी देर के लिए पावर दे रहा हूँ और मेरी पावर की मदद से तुम उस हल्क के पास भी पहुँच सकते हो। तो अभी तुम टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से हमारे उस हल्क के पास पहुँचो। तो ठीक है सुपरमैन यार, अभी तुम मुझे अपनी जल्दी से पावर दे दो। सो ऑलराइट गाइस, अभी यहाँ पर मैं हमारे फ्रैंकलिन को अपनी पावर देने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे लिए कमेंट में सुपरमैन नहीं लिखा है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट में सुपरमैन लिखो, तब तक मैं फ्रैंकलिन को अपनी पावर देता हूँ। सो 3, 2, 1। सो ऑलराइट गाइस यार, अभी हमारे सुपरमैन ने हमारे साथ यहाँ पर अपनी सोल को एक्सचेंज कर लिया है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर हमारे सुपरमैन की पावर आ चुकी है। तो चल सिंचन यार, अभी हम यहाँ से निकलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप ना इस सुपरमैन के सूट में काफी ज्यादा मस्त लग रहे हो, तो अभी आप हमें अपनी पावर दिखाओ ना। तो ठीक है सिंचन यार, अभी यहाँ पर मैं तुझे अपनी मैक्स स्पीड दिखाने वाला हूँ। तो ये देख मेरी मैक्स स्पीड यार कितनी ज्यादा तेज है। एंड गाइस यार, अभी ना यहाँ पर मैं किसी भी चीज को कितनी ज्यादा तेज पार कर पा रहा हूँ। और अभी यहाँ पर मैं जेल में जाने वाला हूँ, जिससे कि यार मैं ना आपको यहाँ पर अपनी पावर दिखाऊंगा। तो ये देखो यार, अभी यहाँ पर मैं आ चुका हूँ ना, तो मैं आपको अपनी लेजर ब्लास्ट की एनर्जी दिखाने वाला हूँ। तो ये देखो, मेरी लेजर ब्लास्ट की एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक है और अभी मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन यार मुझ पर यहाँ पर वार कौन कर रहा है? तो ये देखो, यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ये मुझे मार सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। यार मैंने तो इन्हें लावा में कन्वर्ट कर दिया है। मेरी लेजर एनर्जी देखो भाई, एकदम ये बिल्कुल ही खत्म होते जा रहे हैं, जिससे कि आप हमारे सुपरमैन की पावर का अंदाजा लगा सकते हो। और यार जितना हमारा सुपरमैन पावरफुल है ना, उतना यार वो हमारा लावा फ्लैश भी पावरफुल है, जो कि यार काफी सुपर विलन है। और गाइस यार ये देखो, इससे तो यार आप हमारे सुपरमैन की पावर का अंदाजा लगा ही सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस पूरी की पूरी जेल में पूरी तबाही मचा रखी है। और यार अगर हमारा यहाँ पर आयरन मैन भी आ जाता ना,
तो उसका सूट भी यहाँ पर इतनी तबाही नहीं मचा पाता जितना कि हमारा सुपरमैन मचा रहा है। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर अभी मैंने आपको अपनी सभी सुपर पावर्स दिखा दी है जिससे कि आप हमारे सुपरमैन की पावर का अंदाजा लगा सको। लेकिन यार अभी जो ये हमारा सुपरमैन है ना, ये हमें हमारे यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग हल्क का पता बता रहा है। तो चलो यार अभी हम जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया रुको रुको, गाइस यार अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज यार एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमें हमारा हल्क यहाँ पर जल्दी से मिल सके। अरे हाँ गाइस यार, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज यार एक बार जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो ताकि यार हमें हमारा हल्क यहाँ पर मिल सके। और यार उस हल्क को ढूंढना ना काफी ज्यादा मुश्किल है, सो प्लीज यार अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो यार एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अरे फ्रैंकलिन भैया अभी हम यहाँ पर कहाँ आ चुके हैं? अरे सिंचन यार मैंने तुझे बताया तो था यहाँ पर यार हम अपने सबसे स्ट्रॉन्ग हल्क को ढूंढने आए हैं। एंड यार अभी मुझे वो हल्क यहाँ पर ही मिलने वाला है और जैसा कि हमारा ये सुपरमैन बता रहा है मुझे वो हल्क ना यहाँ पर ही मिलेगा। तो गाइस यार अगर आपको वो हमारा हल्क दिखता है ना तो यार आप ना मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ। और यार यहाँ पर ये कौन है? अरे फ्रैंकलिन भैया देखो मुझे यहाँ पर ये सबसे स्ट्रॉन्ग हल्क मिल चुका है। अरे सिंचन यार वो तो मुझे भी दिख रहा है लेकिन यार ये हमारा कौन सा हल्क है? भाई लोग देखो यार इसकी आधी बॉडी तो ग्रीन है और आधी रेड है। जहां तक मुझे लगता है ना इसके पास ग्रीन और रेड दोनों हल्क की पावर है। तो हेलो हल्क तुम कैसे हो? अरे सुपरमैन तुम यहां पर क्या कर रहे हो? यहां पर तो आना किसी को भी अलाउड नहीं है। अरे ग्रीन रेड हल्क यार यहां पर मैं आना तो नहीं चाहता था लेकिन यार अभी हमारे लॉस सैंटोस में एक काफी बड़ी तबाही आ चुकी है और उसे यार सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। सुपरमैन हमारे इतने सारे एवेंजर हैं तो उन अवेंजर्स में से कोई भी उस विलन को रोक सकता है, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अरे दरअसल ग्रीन रेड हल्क यार जो हमारे पास अभी विलन आया है वो दरअसल एक विलन नहीं बल्कि एक सुपर विलन है, तो यार तुम्हें ही उसे अभी रोकना होगा। तो ठीक है सुपरमैन मैं उसे रोकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गाइस उससे पहले अगर आपने मेरे लिए अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो वरना मैं आप सभी की हेल्प नहीं करने वाला हूँ। अरे गाइस यार आप सभी ये क्या कर रहे हो? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज यार एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो वरना ये हल्क ना हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। तो चलो यार अभी हम अपने काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं और आपको ना वन पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो 3, 2, 1 सो ऑसम गाइस यार जैसे यार आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया ना हमारा ये हल्क हमारी हेल्प करने को तैयार हो चुका है और ये तो काफी ज्यादा ही खतरनाक है। देखो यार जो हमारा ग्रीन हल्क है ना वो तो इतनी ऊंची जंप कर सकता है और जो हमारा रेड हल्क है वो यार जब जंप करता है ना तो यार एक ही दम ना स्लैम मारता है। तो देखो यार हमारे इस हल्क के पास हमारे दोनों हल्क की पावर है ना तो यहाँ पर देखना अभी क्या होता है। ये देखो मेरी ग्रीन हल्क की पावर और यहाँ पर देखना रेड हल्क की पावर। भाई साहब यार ये कितना ज्यादा खतरनाक था और मैंने यहाँ पर धरती में बिल्कुल दरारें ला दी है। तो चलो गाइस यार अभी यहाँ पर मैं उस लावा फ्लैश के पास जाता हूँ और फिर देखना यार हमारी यहाँ पर कितनी खतरनाक वाली फाइट होने वाली है। सो ऑलराइट गाइस यार अभी यहाँ पर मैं उस फ्लैश के पास आ चुका हूँ और ये मुझे यहाँ पर आते ही मारने लगा है लेकिन इसे पता नहीं है कि यार इसने यहाँ पर किसके साथ पंगा लिया है। और ये देखो हमारा ग्रीन रेड हल्क कितना ज्यादा गुस्सा हो चुका है और ये तो इसे काफी तगड़े तरीके से मार रहा है। तो मैंने अभी यहाँ पर इस लावा फ्लैश को पकड़ लिया है और मैं ना इसे किसमें फेंक के मारूं? तो ये देखो यार मैंने इसे यहाँ पर इसमें फेंक के मारा तो ये लावा फ्लैश तो अभी बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है। तो देख लावा फ्लैश अभी यहाँ पर मैं तेरा क्या हाल करने वाला हूँ। लेकिन यार एक ही दम वो कहाँ पर चला गया? यार मुझे ना इसे मारना होगा क्योंकि इसकी ताकत भी काफी ज्यादा ही बढ़ती जा रही है और यार यहाँ पर अगर मुझे इसे रोकना है ना तो उसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी एटॉमिक स्लैम का इस्तेमाल करना होगा। तो ये देखो यहाँ पर मैंने अपनी एटॉमिक स्लैम मारी और मेरी जो एटॉमिक स्लैम है वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन ये देखो अभी यहाँ पर हमारा ग्रीन रेड हल्क काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है और इसकी यहाँ पर जो ये एटॉमिक स्लैम है ये काफी ज्यादा ही खतरनाक है। तो चलो यार यहाँ पर मैं अपनी सबसे पावरफुल इस्तेमाल करने वाला हूँ और ये देखो यार
मेरी सबसे खतरनाक पावर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की, जिससे कि यार अभी जो ये लावा फ्लैश है इसकी पावर बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। और अभी आप देख ही सकते हो कि जो इसका यहाँ पर लावा है वो भी बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, लेकिन ये फिर भी उठ रहा है। तो देखो गाइस यार, यहाँ पर अभी मैंने इसका क्या हाल कर दिया है। और इसी के साथ हमारी आज की इस फाइट का विनर हमारा ग्रीन रेड हल्क है।